अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब हम बात करते हैं कराची शहर की और कराची वालों की, तो बहुत सारी खूबसूरत बातें, बहुत सारी खूबसूरत शख्सियात, बहुत सारी खूबसूरत इमारतें हमारे जहन में आ जाती हैं। और इस शहर की खूबसूरती को जो नज़र लगती रहती है, उसको भी बार बार कोशिश करते हैं कि उतारें किसी न किसी तरह और इस शहर को उसी तरह रोशनियों का शहर बनाएँ। कराची एक ऐसा शहर है जो यकीनन जिसकी बाहें खुली हुई हैं हर कौम के लिए, हर तबके के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए। ओन सिर्फ वही लोग कर रहे होते हैं जो यहाँ रह रहे होते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग बहैसियत पाकिस्तानी हर शहर को, हर खत्ते को, हर गांव को, हर देहात को ओन करें। वो सब एक हिस्सा है पाकिस्तान का। और ये जो हमने बात आ गई है कि हम क्लासिफाइड कर देते हैं, ये ना करें और कुछ अच्छा सोचें, बेहतर सोचें। और मैं अपने प्रोग्राम का आज जो आगाज़ कर रही हूँ, ये तमहीद क्यों है, वो इसलिए है कि जब हम कराची की बात करते हैं और कराची वालों की बात करते हैं, तो उसका मकसद ये नहीं होता कि वो सिर्फ इस शहर के लोग हैं। उसका मकसद होता है वो पाकिस्तानी जो इस शहर से वाबस्ता हैं और जो पूरी दुनिया में और इस मुल्क में कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं, कुछ बेहतरी की तरफ सोच रहे हैं और अच्छी सोचें रखते हैं। और मेरा ख्याल है कि अच्छी सोचें रखना, अच्छे ख्वाब देखना ही इस बात की दलील है कि कोई ज़िंदा है। और बकौल शायर, मैं ऐसे शख्स को ज़िंदों में क्यों शुमार करूँ जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। हमारे साथ आज मौजूद हैं गज़ाला सैफ़ी, और इस वक्त MNA हैं PTI के प्लेटफॉर्म से। और इनको जो इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो ये कि ये वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं कौमी तारीख और अदबी वरसे की। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। और काफ़ी दिन से कोशिश हो रही थी आपसे मुलाकात हो जाए। बहैसियत एक सियासी कारकुन, आपने, क्योंकि आपकी फैमिली में सियासत से कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, कोई मौरूसी सियासत नहीं है, कोई अब्बा चचा ताया किसी ने, भाई ने, किसी ने कभी सियासत में प्रैक्टिकली हिस्सा नहीं लिया? नहीं लिया प्रैक्टिकली। एक भाई ने मेरे, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बहुत पहले से था उसका मेम्बर, और इलेक्शन में भी एक दफ़ा उसने हिस्सा लिया बहुत साल पहले, बट कोई इतनी सक्सेस स्टोरी नहीं थी, तो उसने फिर छोड़ दिया, उस तरह से एक्टिव नहीं रहा। ठीक है। तो मगर ये है कि बाकी हमारा खानदान जो है वो कोई सियासत से उनका ताल्लुक नहीं। अच्छा, है नहीं, मेरा अपना जो मेरा जो अपना कॉलेज का एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जिसको मैं शायद उस तरफ जा रही थी सियासी तौर पे। अच्छा, और वो क्या था? वो ये था कि हमारी जो प्रिंसिपल थी सिस्टर एमिली, वो रिटायर हो रही थी। अच्छा। और हमने फैसला किया कि सेंट जोसेफ सेंट जोसेफ्स कॉलेज, ठीक है, सेंट जोसेफ्स कॉलेज की प्रिंसिपल थी, वो रिटायर हो रही थी, और हम सब स्टूडेंट्स ने फैसला किया कि हम उनको रिटायर नहीं होने देंगे, क्योंकि इन्हीं को रखना चाहते हैं। ठीक है। तो उस वक्त ज़ियाउल हक़ साहब की हुकूमत थी, और मैंने तमाम पिटिशन बनाई और सब लोगों से साइन करवाई। हमारी जितनी भी स्टूडेंट्स थी, हर एक से साइन करवाया, उनसे पैसे कलेक्ट किए। हमने वैन वाले जो होते थे सुजुकी, उसका किराया होता था कोई मेरे ख्याल में 500 या 600 रुपए। अच्छा। किराया था, वो हमने सबसे कलेक्ट किया। कलेक्ट करके 4 वैन्स पीछे हमने जमा कराई PG थाना के पास। अच्छा। और वो कॉलेज के चौकीदार हमें जानते थे, हमारा कैरेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था कि हम हमेशा कॉलेज में ही होते थे। तो उसे कहा कि बंक नहीं मारे थे, कभी बंक नहीं मारा था, हमेशा कॉलेज गए। अब्बा जान हमेशा लेट लेने आते थे, तो हमेशा देर तक बैठे ही रहते थे कॉलेज में, जब तक पापा आ नहीं जाते थे। तो वो हमने फिर वो सब स्टूडेंट्स को निकाला, पूरी क्लास, पूरे कॉलेज को निकाला बाहर, और फिर हमने गवर्नर हाउस के बाहर हमने प्ले कार्ड्स लेके कहा कि वी वांट आवर प्रिंसिपल बैक। तो उस पर उन्होंने बड़ा कहा कि जब वो हमारी एक और दोस्त थी, वो जो फेडरल सेक्रेटरी थे गवर्नर के, उनकी बेटी थी वो। अच्छा। तो उसने मुझसे कहा गज़ाला तुम्हें अंदर चलना है क्या? मैंने कहा मुझे चलना है, मुझे सेक्रेटरी को ज़रा एप्लीकेशन हाथ से देनी है। तो उसने कहा अच्छा चलो मेरी गाड़ी में चलो। हम गवर्नमेंट की गाड़ी में बैठे अंदर चले गए और अंदर पहुंच गए। जब तक हम अंदर पहुंचे, वो सेक्रेटरी साहब गुस्से में डांट रहे, डैडी दिस इज माय फ्रेंड गज़ाला, उनका के पता है कि तुम गवर्नमेंट की गाड़ी में प्रोटेस्टर्स को उठा के ले आए हो, अंदर से मुझे 10 फोन आ चुके हैं। अच्छा हम बेचारे मासूम, हम तो सिर्फ सिस्टर को एक्सटेंशन दिलानी थी, हम अपनी तमाम चीजें कर रहे थे कि जो हो जाए। तो खैर वो एप्लीकेशन हमने की, उसके बाद हम पैदल ही वापस आए, और गाड़ी नहीं मिली होगी शाम तक, नहीं बिल्कुल नहीं मिली शाम तक। फिर हमें एक्सटेंशन मिल गई, मुख्तलिफ दफ्तरों के चक्कर लगाए,
उस जमाने में गौस अली शाह उसी दिन एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, उनसे आखिरी साइन करवाना था फाइनल, तो वो जब आखिरी उनके दफ्तर में पहुंचे उनसे साइन कराया, उसके बाद फिर उन्हें डरते डरते बताया कि मैं किसकी बेटी हूँ, क्योंकि वो भी मेरे फादर के दोस्त थे। तो हैरान रह गए, कहने की कि इतनी सी छोकरी इतना बड़ा काम कर गई, उन्हें साइन वाइन करके उन्होंने हमें दे दिया, और फिर उसके बाद सिस्टर एमिली की एक्सटेंशन हो गई। वो एहतजाज कामयाब रहा, वो हमारा एहतजाज बहुत कामयाब रहा, और आज तक भी जहाँ पे भी कहीं हमारी ओल्ड सेंट जोसियन मिलती है, अच्छा, वो मुझे पहचानती हैं कि ये तो गजाला हाशमी हो। ये वही है लीडर गजाला हाशमी। अच्छा गजाला, ये स्टूडेंट लाइफ होती है, वहीं से पता चलता है कि आगे जाके क्या बनेंगे, मिजाज का भी पता चलता है। बचपन में कैसी थी, शरारती थी? बचपन में काफी डरपोक थी मैं। अच्छा, हाँ काफी डरपोक। किस चीज से ज्यादा डर लगता था, अंधेरे से, छिपकली से, किस से? नहीं, अंधेरे छिपकली से नहीं डर लगता था, बट मैं बहुत वोकल नहीं थी। अच्छा, इन दैट वे और शाय थी मैं। अच्छा, बहुत ज्यादा, और मुझे शर्माती थी मैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो शर्माहट अपनी स्लोली स्लोली, एक दफा मोइन, मैं मिमिक बहुत करती थी। अच्छा, तो एक दिन मोइन अख्तर का एक जोक था, हम कॉलेज का एक फंक्शन था, हम स्कूल में थे उस वक्त, तो कॉलेज के फंक्शन के अंदर माइक उन्होंने मुझे दिया, एक फ्रेंड ने कहा नहीं तुम वो वाली सुना दो जरा। अच्छा, तो वो मैंने माइक लेके जब मैं बोली तो एवरीबॉडी, बस हर पूरी दुनिया तालियां बजा रही। क्या बोली थी गजाला, वो मिमिक्री हमारी, हाँ। नाजरीन भी जरा देख ले। नहीं, वो जोक एथनिसिटी पे है। अच्छा, तो इसलिए मैं नहीं करूँ। तो वो जोक हमने सुनाया और पूरे क्राउड जो था वो तालियां बजाने लग गया, और कहा तो तब से फिर स्टेज परफॉर्मेंसेस स्कूल के अंदर और कॉलेज के ड्रामा में, और फिर कॉलेज के अंदर भी मैं काउंसिल मेंबर थी, ड्रामेटिक सेक्रेटरी थी, और बहुत सारे टैलेंट शोज में भी हमने कप्स जीते, और बहुत सारे प्लेस के, यूजुअली प्लेस के अंदर मैं लड़का बनती थी। अच्छा, आदमी बनती थी मैं, और क्योंकि मेरी आवाज़ भारी थी और मैं उसको ऊँचा कर सकती थी, तो इसलिए मैं ज्यादातर लड़का बनती थी प्लेस के अंदर, इंग्लिश उर्दू दोनों प्लेस के अंदर। तो हर इंसान जो है वो मुख्तलिफ तरीके से सोचता है, और वो एक कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल है। कॉम्प्लेक्स का मतलब डिफिकल्ट नहीं, बल्कि एक मुख्तलिफ है, एक दूसरे से यूनिक है। अब अल्लाह ताला की खूबी यह है कि हमें अशरफुल मखलूकात तो बनाया ही है, और उसके बावजूद हमें हर इंसान को एक दूसरे से यूनिक बनाया है और अलग बनाया है। हर आदमी की सोचने समझने की सलाहियत फर्क है, और उसका जो अचीवमेंट लेवल है वो भी फर्क है। ठीक है, और जो एक शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा, ये बिल्कुल 100% बिल्कुल आपकी जो तख्लीक है इंसान की, और आपका जो ईमान है मुसलमान होने के नाते, और दीन पे जो आपका यकीन है, उसी की बुनियाद पे आपका फैसला होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। बिल्कुल, आप खुद सोचते हैं, और उसके ऊपर आप अगर कम थोड़ा सा अमल करना शुरू कर दें तो आप वहीं तक पहुंचते हैं जो आपने सोचा। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत ही अहम बात है। और इसके अलावा भी क्या क्या सोचती हैं और क्या क्या करना चाहती हैं, ये सब बातें करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। जो पार्लियामेंट में और जो ये कुछ परसेंटेज बढ़ी वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, ये हमें अलहदा ख़वातीन को नुमाइंदगी भी मिली, और सारे उसके बाद डेमोक्रेसी 10 साल रही। जैसे उर्दू लुगत है, और ये नेशनल बुक फाउंडेशन है, पाकिस्तान अकादमी अदबियात है, अम्मा का पानदान फिर अम्मा का पानदान ही होता है। खुश आमदीद, हमारे साथ मौजूद हैं गजारा सैफी। सोच भी रखती हैं और कुछ करना भी चाहती हैं और बहुत कुछ करती भी रही हैं। अच्छा, आप बहुत करियर ओरिएंटेड किस्म की खातून हैं, और आप ख़वातीन की मखसूस नशस्त पे भी आई हैं पीटीआई के प्लेटफॉर्म से। ख़वातीन के बारे में जैसे हमारे माशरे में बात होती है कि वुमेन राइट्स, आप समझती हैं कि वाकई पाकिस्तान में ख़वातीन को वुमेन राइट्स नहीं मिले? देखिए, जब मैं कॉलेज में होती थी ना, मेरे ख्याल में फर्स्ट ईयर में होंगी, तो हमारी एक स्पीच हुई थी वुमेन्स इमेंसिपेशन के हवाले से, वो आज तक मेरी दोस्त ने कुछ याद रखती हैं। ठीक है,
वेमेन जो हैं उनको एम्पावर करने के लिए वेमेन ही को काम करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना। कहते हैं ना औरत औरत की दुश्मन है। नहीं, औरत औरत और औरत ही औरत की सपोर्टर है। मैं ये समझती हूँ मैं आज यहाँ पे जो हूँ वो ख्वातीन की वजह से। ठीक है, ख्वातीन ने मुझे सपोर्ट किया, मैंने ख्वातीन को सपोर्ट किया जिसकी वजह से मैं लाइम लाइट में आई। ठीक है, मैंने मर्दों के साथ भी बहुत काम किया है और मर्द बहुत हमारे मुल्क में सपोर्ट करते हैं औरतों को, रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट भी बहुत देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है माहौल। हाँ, ये अलग है कि आप देखिए, क्योंकि हर इंसान फ़र्क है, हर कोई नहीं होता अच्छा और हर कोई बुरा नहीं होता। ठीक है, मगर मैं ये समझती हूँ कि अगर ख्वातीन ने आगे आना है तो ख्वातीन को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशली उन औरतों को कि जो बिग बिजनेस वेमेन हैं या जो मीडियम बिजनेस रखती हैं या जो पॉलिटिक्स में आ चुकी हैं, उनको दूसरों के लिए राहें हमवार करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि अगर हमें पार्टिसिपेशन चाहिए पॉलिटिक्स में वेमेन की, ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेमेन को ट्रेन करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि अगर उनको आपने उजागर करना है तो ऐसी सीट्स इक्वल नहीं हो सकती। इक्वल होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, बट हमारा अभी रास्ता बहुत लंबा है। क्योंकि हम देखते हैं कि नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनली भी हमारी सोसाइटी का बड़ा अगली फेज नज़र आता है। अगली फेज इस तरह के हमें लगता है हमारे यहाँ औरतों का बस सत्यानाश ही हुआ हुआ है और जुल्म ही जुल्म है, तो कहीं ना कहीं तो कोई अच्छा भी हो रहा होगा। बहुत अच्छा हो रहा है, ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे, मैं तो हर तबके की ख़वातीन के साथ एसोसिएट किया है मैंने इतने सालों के अंदर, और मैंने देखा है कि बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के ख़वातीन वाकई बहुत मेहनत कर रही हैं और वो आना चाहती हैं आगे और मेरिट पे भी आना चाहती हैं, मगर फिर वहाँ पर जो प्रोमिनेंस है वो मर्दों को है ज़्यादातर। अच्छा। पॉलिटिक्स में भी, बिजनेस कम्यूनिटी में भी सारे जो टॉप बिजनेस मैन हैं वो आदमी हैं, जो वेमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना काम कर रही हैं, छोटे छोटे अपने जो भी चीज़ें कर रही हैं उनको बेच भी रही हैं, उनको एक्सेस भी कर रही हैं मार्केट में भी। पॉलिटिक्स में भी हमें चाहिए कि हम अगले 5 साल के अंदर नंबर ऑफ वेमेन पॉलिटिशियंस को बढ़ाएं, इंक्रीज करें, और इस बात का हम जरूर, जो पार्लियामेंट में और जो ये कुछ परसेंटेज बढ़ी वो परवेज मुशर्रफ के दौर में, बिल्कुल, ये हमें अलहदा ख़वातीन को नुमाइंदगी भी मिली और सारे में। उसके बाद डेमोक्रेसी 10 साल रही, उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं हुई जिसमें कोई ऐसा पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया गया हो कि ख़वातीन के लिए कोई काम हो या कुछ किया जाए। अब क्योंकि ये थर्ड टाइम है डेमोक्रेसी का, तो क्या आपकी गवर्नमेंट करेगी कुछ? मैं तो ज़रूर इस पर बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी, और हमारे साथ बहुत सारी पिछली पार्लियामेंटेरियंस हैं जो डिफरेंट पार्टी से भी हैं और जो बहुत एक्टिव रही हैं, और जो हमारी पार्टी की भी वेमेन हैं इस दफ़ा, वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनली साउंड हैं और टेक्निकली साउंड हैं, पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, तो मेरे ख्याल में हम लोग जगह बनाएंगे और औरतों के लिए, ताकि जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़े। लोकल बॉडीज़ में भी मैं कह रही हूँ कि लोकल बॉडीज़ में भी वेमेन को पार्टिसिपेट करना चाहिए और उनको आना चाहिए आगे, क्योंकि जब औरतों के मसाइल होते हैं वो घर में घुट के ख़त्म नहीं हो जाने चाहिए, वो बाहर निकलने चाहिए और उनको अदानों तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, ताकि उनके हल निकलें। क्योंकि माशरा जो है वो पूरी दुनिया आगे जा चुकी है, हमारे पास इतना सादा स्किल्ड वर्कर है कि जब वो यहाँ पे काम करता है तो वो भूखा मरता है, और जब वो मुल्क से बाहर चला जाता है तो वो चार चार खानदानों को पाल लेता है। गजाले जी, आपको जो इस वक्त शोभा मिला हुआ है, बज़ाहिर तो लोग इतना फोकस नहीं कर रहे होते, 2-4 मिनिस्ट्रीज ही लाइम लाइट पे आ रही होती हैं, ये जैसे कौमी विरसा है या अदब की बात है, इस किस्म की चीज़ों पे ज़रा सा वो सेकेंडरी लेवल पे आ जाती हैं, प्राइमरी प्रायोरिटीज़ नहीं आती हुकूमत की, आप करेंगी कुछ इस हवाले से? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जो प्राइम प्रायोरिटीज़ हैं यानी जो सबसे अहम मामलात हैं, यानी शोबा सेहत है, शोबा तालीम है, उस तक को निगलेक्ट किया, यानी वो चीज़ें जो कि आम लोगों की रसाई में होनी चाहिए, अस्पताल आसानी से लोग जा सकें, अपना इलाज करा सकें, और स्कूल में बच्चे आसानी से जा सकें, वहाँ मसले ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स इतने ज़्यादा कोलैप्स किए कि प्राइवेट स्कूल्स कमर्शलाइज हो गए। अब जो पेरेंट थे वो अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम देने के चक्कर में एक तरफ वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेज सकते थे, वहाँ टीचर्स अवेलेबल नहीं थी,
वहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं थी, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स वो सारी चीजें दे रहा था मगर बहुत महंगे दामों, बिल्कुल, तो इस चक्कर में, और फिर वो भी कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है एजुकेशन, सही। तो ये जो दो अहम शोबे थे हेल्थ का और एजुकेशन का, यही इतनी बुरी तरह से निगलेक्ट हुआ कि जो सप्लीमेंट मेरा जो है शोबा वो सप्लीमेंट करता है एजुकेशन को, ठीक है ना, एजुकेशन को भी और कल्चर को भी, ठीक है, क्योंकि जो भी जैसे उर्दू लुगत है और ये नेशनल बुक फाउंडेशन है, पाकिस्तान अदबी अकादमी अदबियात है, और कायद आज़म म्यूज़ियम है और कायद आज़म का मज़ार है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो निगलेक्ट की गई हैं ओवर द ईयर्स। इतना बड़ा एक्सपेंस है कायद आज़म का मज़ार का, वहाँ का म्यूज़ियम भी अच्छा है मगर वहाँ पे जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नेशनल लाइब्रेरी में यहाँ 4.5 लाख किताबों का ज़खीरा मौजूद है, वो इस कदर डल और डिम एरिया है, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस भी किया है कि जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है वो यूनिवर्सिटी में तब्दील होगा, तो उसके बराबर में ही ये नेशनल लाइब्रेरी है जिसके अंदर 4.5 लाख मकामी किताबों का ज़खीरा मौजूद है, जिसमें तमाम जराइद जो 1962 से लेके 60 समथिंग से लेके अभी तक के तमाम जराइद और अखबार और सब कुछ वहाँ मौजूद है। अच्छा। तो हम ये चाहते हैं कि उसको एक ऐसी जगह बनाया जाए जो एक्सेसिबल हो तमाम रिसर्चर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अब हमारे लोग जो हैं, अब जब मैंने अभी इनिशियल मीटिंग्स की हैं अपने डिफरेंट महकमों के साथ, हमारे मिनिस्टर जो हैं शफकत महमूद साहब, उन्होंने कहा कि आप जाइए देखिए मालूम कीजिए और उस पर काम शुरू कीजिए। तो मैंने जब मालूमात की और सब जस्ट ली, वो यही है कि लोग जो हैं वो उनको एक्सेस नहीं है इतनी आसानी कि वो तमाम किताबों तक पहुंच सकें और डिजिटलाइज हों किताबें, ठीक है, मॉडर्न हो। अब लोग जा रहे हैं मलेशिया और इंडोनेशिया और डिफरेंट कंट्रीज़ में सीखने के लिए कि भाई लाइब्रेरी कैसे मिलती, पढ़ा लिखा तबका हमारे पास ज़्यादा मौजूद है मगर हम उसको सही तौर पे ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाए। लाइब्रेरी साइंस हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि लाइब्रेरीज इम्प्रूव हों। हर स्कूल का एक अहम पार्ट होता है लाइब्रेरी, जहाँ बच्चा जाके या स्टूडेंट जाके किताब निकालता है और मालूम करता है। तो ये एक सप्लीमेंट्री टू एजुकेशन है और ये चीज़ें बहुत अहम हैं। रिसर्चर्स को अगर हमने बढ़ाना है, उनको आसानियाँ देनी हैं, तो हमें अपनी नेशनल लाइब्रेरीज को और तमाम हेरिटेज साइट्स का बहुत बुरा हाल है, ठीक है, 18वीं अमेंडमेंट के बाद जो तमाम सूबों को हेरिटेज साइट्स चली गई, यानी हर सूबे को अपना अपने हेरिटेज साइट की जिम्मेदारी मिल गई, उसके बावजूद आए दिन हमें खबर आती है कि कभी किसी प्रोविंस के अंदर बहुत अहम बिल्डिंग तोड़ दी गई, कभी कराची ही के अंदर कितनी बिल्डिंग्स तोड़ दी जाती हैं, अभी पिछले दिनों तोड़ी गई। तो देखिए नई बिल्डिंग्स भी बन जाती हैं, खूबसूरत चीज़ें भी आ जाती हैं, मगर जो आपका जो माजी है, जो माजी है, अगर आपने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो कहाँ खोजेंगे आप अपने? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे मालूम करेंगे? बहुत खूबसूरत बात कि माजी को अगर डिस्ट्रॉय कर देंगे तो कहाँ ढूंढेंगे? अम्मा का पानदान फिर अम्मा का पानदान ही होता है, उसकी हिफाजत करनी है, इसी तरह अपने कौमी विरसों की हिफाजत करनी है। मजीद गुफ्तगू एक छोटे से वक्फे के बाद। हॉट कब होता है और कोल्ड कब होता है? आना जाना तो था घर पे, आना था और जाते छोड़ने आप जाते थे, इनका मुझे नहीं पता था। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और इस वक्त प्रोग्राम में कुछ अहम शख्सियत का इजाफा हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं नैयर सैफी साहब और हस्बैंड हैं गजाला सैफी के, और हमारी बड़ी खुश नसीबी है कि इन्होंने हमें टाइम दे दिया। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि हम बात कर रहे हैं गजाला जी से, तो बहुत देर से गुफ्तगू हो रही थी, तो जब इंसान अपनी बात करता है तो हमेशा अच्छी ही बात करता है, तो हमने कहा किसी ऐसे शख्स को बुलाया जाए जो ज़रा सही बताए कि असल में गजाला कैसी हैं, मिजाजन कैसी हैं, ये बताइए। ओके, मतलब आपने कहा अच्छी बात करते हैं, फिर आपने कहा सही बात भी करते हैं। जी, मैंने कहा ये तो अच्छी बात कर चुकी, अब आप सच बोलिएगा। नहीं, सच है, मिजाजन बहुत इनका
हॉट एंड कोल्ड मिजाज है। अच्छा ठीक है। काम के मामले में हॉट कब होता है और कोल्ड कब होता है? काम के मामले में शी इज वेरी स्ट्रिक्ट। अच्छा नो नॉनसेंस। ठीक है ठीक है। वो या तो प्रोफेशनल साइड पे हो या घर की साइड पे हो या डोमेस्टिक इश्यूज हो, ठीक है, शी डजंट टेक एनी नॉनसेंस। सो दैट्स दैट कुड बी अ प्लस दैट कुड बी अ माइनस समटाइम्स। यस समटाइम्स। शी इज वेरी प्रोफेशनल। ठीक है। ऑल्दो शी इज बीन इन्वॉल्वड विद पॉलिटिक्स आई थिंक फॉर द लास्ट 8-9 इयर्स नाउ, 10 फुल टाइम, 10 इयर्स नाउ विद पीटीआई। शुरू में तो हमारे डिफरेंसेस होते थे कि किन चक्करों में पड़ी, कहाँ जा रही हो, जलसों में जा रही हो, धरनों में जा रही हो, टेक्सटाइल की बिजनेस कर रही थी, इनकी शॉप भी थी, देन सडनली आउट ऑफ द ब्लू से पॉलिटिक्स का आ गया। तो बट शी टुक इट वेरी सीरियसली, ठीक है ना, शुरू में यस वी हैड आवर डिफरेंसेस, बट देन आई गिव अप एंड आई ठीक है, गो अहेड एंड डू इट। फैमिली को कहीं नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा और माशाल्लाह बच्चे बड़े भी हो गए हैं आपके, और जिम्मेदारी जो है वो 100% फॉर्म के ऊपर है। ठीक है, इनकी जिम्मेदारी किस पे डाल रही है? सबको खुद लेनी पड़ेगी, बच्चों से भी कह दिया गया है, सबसे कह दिया गया है। चले नैयर साहब, आप अगले 4-5 साल का अपना तो कोटा खुद ही रखिएगा, सारे मामला अपने खुद ही देख रहे हैं। तो बल्कि कहता हूँ घरेलू या घर के मामलात में शी इज स्टिल वेरी मच इन्वॉल्व। कुकिंग वुकिंग कर रही हैं या ये बस एमएनए बनने के बाद? नहीं, इनको होस्ट करने का बहुत शौक है। अच्छा, शादी अरेंज मैरिज हुई, लव मैरिज? सच बताइएगा आपने, स्टार्टेड ऑफ विद एन अरेंज मैरिज। ये मेरी छोटी बहन की क्लास फेलो थी। अच्छा, क्लास 6-7 से 8 से। इनका आना जाना तो था घर पे, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इनकी साइड से शायद लव मैरिज थी। अच्छा, हमारी साइड से इनिशियली तो छोटी बहन की दोस्त थी, लेकिन फिर वो ऐसी बात चली, ठीक है, बाहर से पढ़ कर आया, ठीक है, तो हमारी बहन ने, एक ही बहन थी सबसे छोटी, उसने ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है, शादी तो गजाला से अच्छी कोई नहीं है, अच्छी कोई नहीं है, तो हल्के हल्के वो अरेंजमेंट जो था इट टर्न इनटू लव आल्सो। यस ठीक, सो देन वी गॉट मैरिड। जबरदस्त जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी स्टोरी है, बड़ी बचपन की मोहब्बत आ गई है। तो नहीं, बिल्कुल बचपन की मोहब्बत नहीं, नहीं बिल्कुल थी। नहीं नहीं, आप इनके यहाँ खानदान नहीं था कि जिस दोस्त से भी दोस्ती होती थी उसके पूरे खानदान, आंटी, खाला, अम्मी, पहले यही रिवाज था, तो वो इनकी खानदान की सारी खालाएं और इनके जो अपनी अम्मी वगैरह सब थे वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है, तो बस एक यही थे जो नहीं कर रहे इनका थे। मुझे नहीं पता था ना, फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज़ ये मुझे पसंद करते हैं। अच्छा, आई टू बी मान ले, चलिए मान ले, आई टू बी टुगेदर, ठीक है, वी आर हियर आफ्टर सो मेनी इयर्स, सो देयर इज नो दिस थिंग ऑन इट। ठीक है ठीक है, बहरहाल अब तो साथ हैं और यकीनन जब साथ हैं तो एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, कौन सी आदत आप कहते हैं गजाला ये आदत बस छोड़ दो तुम? ये आदत, हां एक है जिनको ही पता है क्या? और मैं कह दूंगा हाँ, ये सही, घर के मामले में जो है ठीक ना, she doesn't get ready, कहते हैं घर अगर मैं आता हूँ ऑफिस से, सही, मेरी आदत हमेशा सी, मैं बोर्डिंग स्कूल में था उसके बाद भी कि जी ठीक है ऑफिस से आया, कोट वहाँ फेंका, मोजे वहाँ फेंके, अपना पलंग पे लेटा, पलंग खोल लिया, तकिया इधर फेंका। अच्छा, she is very strict about it, अभी ऑर्गेनाइज्ड चाहिए सब चीजें, very organized, अभी तक even after 33 years of being married, तो टोकना जरूरी है कि मैं इसको सही जगह पे। अच्छा, दोनों ने वैसे आदतें नहीं बदली है ना? नहीं, मैंने तो बदल दी सारी। अब आप सही कैसे रहते हैं? मोजा अपनी जगह पे होता है। चलें, गुड, वी एक्सेप्ट इट, अब आप रखना पड़ेगा। ठीक है, ये शीज भाई, क्योंकि घर अगर आप देख लें, हमारा घर माशाल्लाह हमें 20 साल से ज्यादा हो गए इस घर को बनाए हुए, उस घर में रहते हुए बहुत मेंटेन, बहुत अच्छी तरह मेंटेन है, दैट्स अ प्लस पॉइंट। और सबसे स्वीट कौन सी बात लगती है, प्यारी सी, अच्छी सी, क्या? वेरी केयरिंग, शी इज वेरी ठीक है, ठीक है, और नॉट ओनली टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स फैमिली, द गर्ल्स, तीन बेटियां हमारी माशाल्लाह, और एक चीज इनकी जो बहुत ही जबरदस्त है, अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल। अच्छा अच्छा, नैयर साहब खाने में चूजी हैं? No, he's not, except कि उनको सालन चाहिए होता है, ठीक है, भुनी हुई चीजें नहीं, शोरबा चाहिए, ठीक है, मुर्गी भी बन रही है, तो थोड़ा should not be dry. उसमें ग्रेवी होनी जरूरी, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, अगर 10 टमाटर हैं तो 20 डालो। अच्छा ठीक है ठीक है, याद रहती है बर्थडे वगैरह हमारी सेलिब्रेशन? अच्छा, एक किस्सा मैं इनका भी बता दूँ कि हम तो चूंकि
वादा निभाने पे हैं कि वादा निभाया है तो निभाना है हमारे, ठीक है। तो उसमें ये हुआ कि इन्होंने कभी भी सालगिरह पे ना तोहफा दिया, ना कभी शादी की सालगिरह पे दिया, ना कभी फूल आए, ना कभी गुलदस्ता आया, ना कुछ। शादी को कोई, मेरे ख्याल में उस वक्त 10वीं सालगिरह थी शादी की या बर्थडे थी शादी के बाद। तो ही वॉज वर्किंग विद अमेरिकन, तो अमेरिकन ने कहा कि भाई वो मेरी आज बीवी की बर्थडे है और मुझे एनिवर्सरी थी कि मुझे उसको वो गिफ्ट देना, नहीं मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और वो वहाँ है। तो उसने कहा तुम यूजुअली क्या देते हो, उसने ऐसे पूछ लिया। मैंने कहा मैंने आज तक तो कुछ नहीं दिया। तो उसने कहा अभी भेजो और इसी वक्त भेजो, कहीं भाग ना जाए तुम्हारी बीवी, क्योंकि उनके यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है तोहफे ना मिले तो जी बीवी जो है वो तो भाग जाएगी। तो खैर अब अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ की आजकल की लड़कियों को ये बड़ा एहसास है कि उस वक्त का तोहफा चाहिए। एक ओकेजन जो हम नहीं भूलते हैं वो क्या है, वो है वेडिंग एनिवर्सरी हमारी। अच्छा। और वो इसलिए नहीं भूलते हैं, और इसमें रोजेस देना भी जरूरी होती है। सही। और सबसे महंगे होते हैं उस दिन, 14 दिन सबसे महंगे होते हैं, तो वैलेंटाइंस डे पे। अच्छा, 14/5 वेडिंग एनिवर्सरी वो आने ही वाली है। बिल्कुल आने वाली है, जहाँ तक प्रेजेंस का ताल्लुक है लेके भूल जाती है, ऐसा ना करें भाई। नहीं, याद रखिएगा। देखिए मैं एक सच्चा इंसान हूँ। अच्छा। और इट्स नथिंग टू डू विद यू नाउ। इसमें इसमें ये है कि नियत जो है वो बिल्कुल सही है, नुकसान पहुंचाने की नियत नहीं है, धोखा देने की नियत नहीं है। नहीं नहीं, हम तो गिफ्ट की बात कर रहे हैं, छोड़ दें। और गिफ्ट जो है, गिफ्ट जो है वो जब इन्होंने फूल भेजे 10 साल के बाद, तो हमने बड़ी हैरत से, क्योंकि जब वो लिखा हुआ है फ्रॉम योर लविंग हस्बैंड, तो हम अच्छा वो राइटिंग थी सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस वालों की, लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशंस, इनकी एक दोस्त ने उन्होंने खराब की। ओहो, वो एक दोस्त है इनकी, उनकी शादी हमसे नकली बचपन में होगी उनकी, आई डोंट नो। ये कहती हैं कि जी उसका हस्बैंड जब भी घर आता है, अच्छा, उसको आइसक्रीम खिलाने जरूर लगे। दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक, हमें पता है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं हर रोज आपको एक लॉली या चॉकलेट दूंगा, तो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक आई कैन डू इट। नहीं नहीं, हर एक, लेकिन मुझे बाद में पता चला। लेकिन ये सब छोटी सी ख्वाहिश है, आप पूरी कर दें, कोई बात नहीं। नहीं, पुरानी बातें, जब ये नई नई शादी हुई तो हमें पता ही नहीं होता था, बिकॉज मेरी कोई बहन नहीं है, ठीक है, ना मेरी कोई, हमारा इस रिलेशन के आपको पता ही नहीं था कि क्या होगा। तो वो हमारी जो एक दोस्त ने कहा कि, मैंने कहा तुम लोग क्या, उसने कहा को मेरे मियां रोज वापस आता है तो हम लोग रोज आइसक्रीम खाने जाते हैं। वैसे पता है, बाज़ दफ़ा लोग राइट जो होती है दैट बैलेंसेस थिंग्स आउट ना, ठीक है, आप अनवाइंड हो जाते हैं, बातें कर लेते हैं। आपने कभी जाके देखा कि वो वाकई रोज आइसक्रीम खिला रहा था? रोज खिला, कोई नहीं खिला सकता। नहीं, आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव। शुरू की बात, नाम नहीं लूंगा, मैंने उससे पूछा। वैसे पता है न्यूली जो मैरिड कपल्स होते हैं ना, उन्हें पुराने वैसे करते भी हैं, जरा सा बेवकूफ भी बनाते हैं, ऐसा तो नहीं था। ठीक है, but in my heart she's always there. जबरदस्त, और यही होना चाहिए। Absolutely. दिलों में ही मोहब्बत होनी right. चाहिए, और वो आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो पता चल रही है कि आप लोग कितना एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं और कितनी मोहब्बत रखते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत बातें हैं। चलते चलते बताएं कि नैयर भाई में आपको क्या तब्दीली चाहिए, आप तो तब्दीली ला रहे हैं ना पूरी दुनिया में, इनके लिए क्या तब्दीली? मैं किसी को तब्दील नहीं कर सकती। अच्छा, तो मुल्क को कैसे करेंगे? नहीं, अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। मुल्क को तब्दील करने के लिए आपने अपना वो विजन रखा है। गजाला के घर में क्या तब्दीली आएगी? गजाला के घर में कोई ऐसी तब्दीली की इतनी जरूरत नहीं, नहीं है जरूरत। आप सही हैं, आपको पूरे नंबर मिल गए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और आप आए हैं तो प्रोग्राम मुकम्मल हुआ है। नाज़रीन, हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त तो गज़ाला सैफ़ी से ज़्यादा मैं समझती हूँ कि उन लोगों का मिलना भी आपको यकीनन अच्छा लगा होगा जो इनकी कामयाबी और इनकी सपोर्ट में इनके पीछे मौजूद हैं। नैयर सैफ़ी साहब की बातें बहुत मज़ेदार हैं, बहुत ही खूबसूरत कपल है, हंसते मुस्कुराते रहें, ऐसे ही यही दुआ है। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मैं ये समझा था कि
तू है तो दरख्शां है हया। खुश आमदीद, हमारे साथ मौजूद हैं गज़ाला सैफ़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MNA मुंतखब हुई हैं और बहुत सारे काम करना चाहती हैं और बहुत ज़्यादा मुल्क के लिए कुछ ना कुछ तब्दीली और बेहतरी चाहती हैं। अच्छा गज़ाला, आप बहुत एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा आप सोचती हैं, चाहती भी हैं करना। आपने माजी में अपने कैपेसिटी में बहुत सारे काम किए हैं, बग़ैर किसी प्लेटफॉर्म के भी आपने बहुत सारे सोशल काम भी किए हैं, एजुकेशन से भी वाबस्ता रहे हैं। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर कराची की, इस शहर से आपका ब्रॉटअप है, एक वास्ता है, एक वाबस्तगी है, हमारा और आपका शहर है, क्या इस शहर के हवाले से कुछ सोचती हैं? बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, जिनमें से सबसे बड़ा जो मसला है कराची का वो है गंदगी, ठीक है, सिक्योरिटी और पानी, सही है। मसाइल इतने बड़े बड़े हैं और लोग बेचारे फिस रहे हैं उसके बीच में, और हमारी हुकूमत ने वादा किया है लोगों से कि उनको करप्ट पॉलिटिशन से और करप्ट लीडर्स से निजात दिलाए, ठीक है, जिसका सिलसिला जारी है, जिसमें बहुत सारे लोग, चूँकि हमारा ये आवाज़ रही है इसलिए लोग ये समझते हैं कि शायद हम जुडिशल सिस्टम के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, मगर कराची जो है वो मुल्क की पहचान है, बिल्कुल कॉस्मोपॉलिटन शहर है, जैसे लंदन है, जैसे इस्तांबुल है, जैसे न्यूयॉर्क है, वैसे ही कराची, ठीक है, कराची की हदें कुछ नहीं है। आप कभी एक तरफ से निकल के जाइए और आपको कम से कम आधे पौन घंटे बाद आप किसी एक जगह एक घंटे भर बाद पहुँचेंगे, वो भी कराची होगा, बिल्कुल, सवा घंटे बाद एक जगह पहुँचेंगे, वो एक और कराची का, बिल्कुल। कराची को सही तौर पे ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, ठीक है, कराची में सर्कुलर रेलवे की बहुत ज़रूरत है, और उसकी वजह से उसकी उसके लिए तजावजात को हटाया जाएगा, जिसमें जो काम यकीनन उसमें आम आवाम को दिक्कत भी होगी, मगर लॉन्ग रन में अगली जनरेशन के लिए ये एक बेहतर शहर साबित होगा, ठीक है, तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनेगी, चीज़ें अगर लोग तआवुन कर लें, ठीक है, सफाई बेशक होनी चाहिए, सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस शहर के हैं वो पुलिस फोर्स में आने चाहिए, ठीक है, ताकि जो आपके जो लोकल्स जब पुलिस के अंदर आते हैं तो उनको अपने अपने इलाके के लोगों की इज्जत का और लिहाज और मरम्मत होती है। मुख्तसर अल्फाज में माजरत के साथ, क्या कोटा सिस्टम ख़त्म करेंगे आप, तभी कराची का शहरी यहाँ की जॉब्स पर आ सकेगा? देखिए, कोटा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, होना चाहिए, और वो उसी की वजह से बहुत सारी दूसरी कुतें थी जिन्होंने यहाँ तकलीत जिनको पहुँची यहाँ पे उनको सपोर्ट मिली, वो ख़त्म होना चाहिए, मगर उसके अलावा ये कि जो रूलर्स इतने सालों से यहाँ पे थे उन्होंने कराची के साथ कोई अच्छा काम नहीं किया, बिल्कुल, और जब तक कि प्राइवेट इंटरवेंशन नहीं हुई, बिजनेसमैन ने और दूसरे लोगों ने अपनी जेबों से पैसे डाले, तब जाके हस्पताल भी थोड़े से बेहतर हुए, तब जाके सड़कों का भी कुछ सारे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हुए, तो सब कुछ वेलफेयर पे चलता रहा है। अब हुकूमत की इंटरवेंशन ज़रूरी है, उससे ये मतलब नहीं है कि गवर्नर राज आ जाएगा या हुकूमत को बिल्कुल तहलील कर दिया जाएगा, वही लोग जो मेन उसके कैरेक्टर्स हैं हुकूमत के उनको ही जिम्मेदार होना चाहिए और उनको काम करना चाहिए, और जो यहाँ एम्बुलेंसेस की कमी थी तो लोगों ने कर दी पूरी, यहाँ पे फायर ब्रिगेड्स भी अभी तक कम है, वो बिल्कुल इम्प्रूव की जाएंगे, नहीं है हमारे पास नहीं है, हमारे पास वाटर प्रेशर एरियाज कम बने हैं शहर के अंदर, जो आम कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में होता है कि अगर फायर हो जाए तो किस तरह से बचाया जाए, तो
स्कूल्स की भी कराची जैसे शहर में भी बहुत सारी चीजें कराची जैसे शहर में स्कूल्स की भी हालत खराब, तो हमें तमाम चीजों को देखना है और जो जो अपने अपने इलाके और अपने अपनी चीजों से वाबस्ता है उसको जिम्मेदारी के साथ, ऊपर से टॉप लीडर जब बेहतरीन होता है ना तो नीचे सब कुछ सही हो जाता है। अच्छा, आप क्योंकि खुद भी बिजनेस रन करती रही हैं, प्रैक्टिकली आपने काम किया है और बहुत अच्छा, आजकल आपने सियासत में आके उस बिजनेस को खैराबाद कह दिया, ऐसा क्यों किया? देखिए, मैं क्योंकि सोल प्रोप्राइटर हूँ अपने बिजनेस की और मैंने सिंगल हैंडेडली अपने ब्रांड है आपका जी, हाँ मेरा ब्रांड है जी, उसको मैंने रन किया। मगर जब इलेक्शंस करीब आ रहे थे उस वक्त मुझे नहीं कंफर्म था कि मैं रिजर्व सीट पे आ जाऊंगी या मुझे, मगर मेरा ये तहैया था कि इस दफ़ा मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सर तोड़ बाजी लगानी है और जिताना है, चाहे मैं आऊँ या ना आऊँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, मगर खवातीन की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, और ज़्यादातर कराची ऐसा शहर है जहाँ पढ़ी लिखी खवातीन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं समझती हूँ कि पढ़ी लिखी खवातीन को और जो हमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देनी है वो एंटरप्रेन्योरशिप से हो, सब अपने अपने घरों में जो कुछ भी कर सकती हैं वो करें, और पैसे पैसा हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है, अपनी सलाहियतों को उभारना चाहिए। ठीक है, और आगे आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। वैसे तो अब आप बहुत मसरूफ़ हो गई हैं सियासत में आके, टाइम भी कम मिलता होगा, गाने वगैरह सुनती हैं? मुझे बहुत पसंद है गाने सुनना। कौन से? मैं जब भी, मैं अक्सर अभी भी गाड़ी खुद चलाती हूँ। अच्छा, गार्ड पीछे बैठेगा मैं चलाऊंगी, ड्राइवर पीछे बैठेगा मैं चलाऊंगी। शहर के हालात आपको पता है और उसके नहीं, मुझे पसंद है गाड़ी चलाना क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं मनुवर ज्यादा बेहतर करती हूँ गाड़ी को। मैं किसी और से कहूँ वहाँ मुड़ो वो मुड़ जाएगा कहीं और, मैं अपना खुद हूँ, मगर मुझे जब मैं गाड़ी चलती है तो उस वक्त मैं गाने जरूर सुनती हूँ। क्या सुनती? मुख्तलिफ, मुझे पुराने कोई गाने, पुराने भी कुछ पसंद हैं, लेटेस्ट गाने भी मुझे पसंद होते हैं, जो डिस्को टाइप गाने वो भी, मतलब जो भी अच्छी रिदम का गाना होता है मूड अच्छा करने के लिए गाना जरूरी है सुनना। ठीक है, तो वो पहले अपने आयतुल कुर्सी और सब कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद गाना लगा लेते हैं ताकि जरा सा रिलैक्स भी हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा गुनगुनाती भी है? गुनगुनाते तो बहुत थे पहले, अब क्या गुनगुना ही ले, अब थोड़ा सा तो गुनगुना ले। क्या गुनगुनाए अब, मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा ही गाना होगा जो आप कहेंगी कि ये आपने कौन सा गा दिया, हम तो आपसे पता नहीं, वो तो नहीं, 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 जो आपका दिल चाहे। बेसिकली मैं आई एंजॉय, मैं गुनगुना दे, चले छोड़े गुनगुना दे जो भी जहन में, हमारे लिए बहुत कीमती होगा। हम लोग जब स्कूल में होते थे ना, PCH स्कूल में, तो वहाँ उमराव बंदू खान हमारे टीचर होते। अच्छा, उस्ताद उमराव बंदू खान, और वो हमें तमाम दादरे और ठुमरियाँ लिखवाया करते थे। अच्छा, तो उन्होंने हमें सिखाया था एक बड़े उसके साथ, अब पता नहीं उस तरह हम गा भी सकते हैं कि नहीं, फिर भी जीस मुश्किल है से मुश्किल ना बना, तो जीस मुश्किल है इसे और भी मुश्किल न बना, जीस्त मुश्किल है। अब और दूसरा मिसरा भी याद नहीं, बट ये है कि हमने बड़ा उसको सीखा था और बाकायदा बहुत प्यारी आवाज है आपकी, बड़ी लय में आप गा रही थी। हम बड़ी लय में कुछ गाते और थे। सुना दे। हमने तो एक जमाने में ये होता था कि मैं क्योंकि टैलेंट शोज वगैरह में अपने स्कूल कॉलेज के बहुत पार्टिसिपेट करती थी, तो नाहिद अख्तर की आवाज़ और शबनम के स्टाइल में बहुत मैंने बहुत चीजें की हैं स्कूल में, तो थोड़ा सा एक लाइन, एक लाइन, I don't think I will be able to remember or sing any of those। बस अब कुछ और डिफरेंट है कि वो अभी जैसे मेरे शोहर बैठे हुए थे तो दिल ये चाह रहा था कि मैं कहती कि फैज का जो शेर है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत गुनगुना के डाले, डेडिकेट कर देते हैं मैयर भाई को। चले नहीं, ये सबको डेडिकेटेड है, सब फैमिली मेंबर्स को, ऑल द पीपल आई लव, के नाउ माय ओन, जो मेरा अपना जो पैशन है वो ये है कि वो अपनी उस जिम्मेदारी को जो अल्लाह ताला ने मुझ पे डाली है एज अ मदर, एज अ पेरेंट, मैंने अपनी पूरी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी और भी करूंगी, बट जो एज अ कौमियत के तौर पे जो मेरी है उसको मैं पूरा करने में, उसमें ये है, डेडिकेट कर रही हैं आप, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत
मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब नामा। मैं ये समझा था कि तू है तो दरख्शां है हया, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबा, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो हर चीज निगू हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाह था यूं हो जाए, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। अनगिनत सदियों के ताबीर बही मानत लिसुन, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजे, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजे, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग और सरप्राइजिंग। बहुत शुक्रिया गजाला जी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और बहुत मज़ा आया आपके साथ सब गुफ्तगू करके और गपशप, तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी गज़ाला सैफ़ी, और इतनी खूबसूरत गज़ल के बाद, फैज़ अहमद फैज़ का कलाम सुनने के बाद, मेरा ख्याल है मज़ीद कुछ कहना बनता नहीं है, इसलिए मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, हिना नकवी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।